गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस है ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आपके जो बुक में चैप्टर दिया है वहाँ से आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाए। जो हमने आपको HTML कराया है उसमें हमने आपको हर कंसेप्ट को क्लियर किया है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जो बुक का चैप्टर है वो भी रीड होना चाहिए, तो हम वीडियोज़ के थ्रू आपको वो चैप्टर भी रीड करा रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक का, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML 5। इसमें जो है आप बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री है, HTML क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML एलिमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, तो ये जो आपका बेसिकली आप इसमें ये सारा कवर करेंगे। आज जो HTML है वो ऑलरेडी आप जानते हो। एक्चुअली HTML क्या होता है, HTML जो है IBM ने डेवलप किया था 1980s में, और HTML जो है जनरल मार्कअप लैंग्वेज है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, वन कैन मार्क हेडिंग्स, जैसे आप इसमें हेडिंग्स बनाते हैं, टाइटल्स बनाते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि कैसे आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए। जैसे ये फॉन्ट है, अब ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML लिखा हुआ आ रहा है ना आपके पास, ये जैसे किस फॉन्ट में लिखा हुआ आ रहा है, 1986 में जो था इसका मॉडिफाई किया गया इसको, और इसको अब बन गया स्टैंडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये है HTML, फुल फॉर्म जो है HTML की हो गई, स्टैंडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर। ये जो दिया हुआ इन 1989 टिम बर्नर ली जो थे उन्होंने HTML को इन्वेंट किया था। द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन HTML 2.0 वाज अनाउंस्ड इन 1995। अब जो है देखिए, ये आप थ्योरी में खुद भी पढ़ सकते हैं कि 1995 में 2.0 आया, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद 3.0 आया, देन 4.0, आज जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ HTML 5। क्लियर। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML 5। अब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर, H फॉर हाइपर, टी हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, एम फॉर मार्कअप और एल फॉर लैंग्वेज, यानी कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एंड ये जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट इज जस्ट व्हाट आई आर लुकिंग एट टू नाउ इंग्लिश करेक्टर। अब टेक्स्ट इसमें अगर मैं देखती हूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर का मीनिंग क्या होता है, टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है जस्ट जो हम लिखते हैं, जैसे आप इंग्लिश के करेक्टर लिखते हैं, आपने अपना नाम लिखा, ये लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू HTML, ये टेक्स्ट है। क्लियर। एंड मार्कअप इज व्हाट इज डन टू द टेक्स्ट टू चेंज इट्स अपीयरेंस। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू HTML भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ पर HTML कैपिटल में है, फिर स्टैंड्स नॉर्मल आ गई, फिर इसका H कैपिटल हो गया, M ऐसा हो गया, मीन्स मार्कअप। ये जो टेक्स्ट है आप उसको कैसे मार्क करते हैं, उसका अपीयरेंस कैसे चेंज होता है, दैट इज योर मार्कअप। क्लियर। और लैंग्वेज क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, मतलब क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जो ये HTML होते हैं वेब पेजेस के बीच में, वेब पेजेस के मतलब सिंटेक्स और रूल, हम कैसे बात करेंगे, एक वेब पेज कैसे बनता है, तो वो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज योर लैंग्वेज। समझ में आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर। अब जो HTML होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, HTML हम कैसे लिखते हैं, HTML में क्रिएट क्या करेंगे, टाइटल कैसे बनाएंगे, उसका हेडिंग कैसे बनाएंगे, मेक ए बुलेटेड नंबर, नंबर लिस्ट कैसे बनती है, HTML में ऑडियो वीडियो, हमने आप सबको जो HTML के आज तक 8 वीडियोस नेट पर अपलोड हुई है हमने आपको उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये जस्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। राइटिंग HTML, HTML जब भी लिखते हैं तो HTML के सराउंडेड हमारे पास 2 करेक्टर होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि आपने देखा है प्रैक्टिकल में, लैब में भी प्रैक्टिकल किया है, तो हम लेस देन और ग्रेटर देन और इसके बीच में वर्ड लिखते हैं HTML, इसको बोलते हैं टैग। HTML ये बन गया आपका HTML, ग्रेटर देन लेस देन इसको बोलते हैं टैग। ये आपका स्टार्टिंग टैग है जहाँ पर आपने ये यूज़ किया है, और जहाँ पर इसके आप ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो दैट इज़ योर क्लोज टैग। क्लियर हो गया, HTML का स्टार्टिंग टैग है। अब HTML के एलिमेंट क्या है, मतलब HTML जब आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट यूज़ करते हैं, एक वेब पेज को डिज़ाइन करने में आप किस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या लिखते हैं, हेडिंग होता है राइट, उसकी बॉडी पार्ट होती है, बॉडी में आप पैराग्राफ लिखते हो, उसमें लिस्ट बनाते हो, तो एक पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ द एलिमेंट्स। अब कैसे यूज़ करेंगे, एक बात याद रखना, जो HTML है वो नोट केस सेंसिटिव, मीन्स आप कैपिटल भी लिख सकते हैं उसको, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप HTML कैपिटल में लिख देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ये नॉट केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। HTML के अंदर हम देते हैं हेड, हेड जैसे ही है केस सेंसिटिव, हेड ऐसे भी एक्सेप्ट करेगा और हेड आपका स्मॉल लेटर में भी एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। HTML एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज एज, इसमें कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं,
और एम्प्टी एलिमेंट्स आते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स इनको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, कंटेनर एलिमेंट्स आपको उसमें क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा। तो कितने टाइप के एलिमेंट्स हुए एचटीएमएल में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, द फर्स्ट वन इज द कंटेनर एलिमेंट्स एंड द सेकंड वन इज एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स मीन्स देयर इज नो नीड टू क्लोज, इसके जस्ट ओपनिंग होते हैं, ओपनिंग टैग होते हैं। देखिए यहाँ पर कोई क्लोजिंग टैग नहीं। जो बी आर होती है ये लाइन ब्रेक के लिए और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो दो तरह के कंटेनर हो गए, सॉरी दो तरह के एलिमेंट्स हो गए, कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। अब उसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है? देखिए हमने थ्योरी में आपको पहले ही वीडियोज़ में बताया कि एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप एचटीएमएल टैग यूज़ करते हैं। इट शुड बी अपियर एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स के बिगनिंग पर ये अपियर होते हैं। फिर ये आपका क्लोज भी होता है, और क्लोज जो होता है एट द एंड, जब सारा आपका एचटीएमएल पेज बन जाता है उसके एंड पर आप इसको क्लोज करते हैं, जो प्रैक्टिकल्स में हमने आपको वीडियोज में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। क्लियर? अब देखिए नीचे इसका जो स्ट्रक्चर हुआ होगा वो शो होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एचटीएमएल का जो आप कोडिंग लिखते हैं वो लिखेंगे कहाँ पर? ये तो टैग आपको आगे आ जाएंगे चैप्टर में। HTML की कोडिंग लिखते कहाँ पर है? HTML में एडिटर्स होते हैं। एडिटर्स का मतलब एडिट इज योर प्रोग्राम, प्रोग्राम आप एडिट करते हैं। कैसे? आपको कहीं ना कहीं तो ये कोडिंग लिखनी पड़ेगी, तो जो हम लेते हैं वो लेते हैं नोटपैड, सबसे सिंपल। अब जो यूज़ होता है, जब से HTML बना तब से हम नोटपैड यूज़ करते हैं, लेकिन वर्डपैड में भी आप इसकी कोडिंग लिख सकते हैं और नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटपैड क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में होता है, वर्डपैड भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में होता है, तो मोस्टली जो है हम नोटपैड यूज़ करते हैं। बट अगर आपको नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना चाहते हैं तो आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए WYSIWYG, इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। दिस टाइप ऑफ एडिटर अलाउ यू टू क्रिएट ए वेब पेज विदाउट द यूज ऑफ HTML टैग। द कंटेंट सीन ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज इज क्लोजली रिजेंबल्स द फाइनल वेब पेज। एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ एडिटर माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज भी आप यूज कर सकते हो, अडोब डीम वीवर। क्लियर? तो आपके पास इस तरह के भी एडिटर्स होते हैं, लेकिन 99% जो हम एडिटर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ टेक्स्ट एडिटर्स, जो आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों को अभी इतना एडवांस में नहीं आता। अब ये आ गया यहाँ पर बेसिक। बेसिक में सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं और HTML टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। हेड टैग लिखते हैं, हेड को क्लोज भी करना है। हेड के अंदर आता है आपका टाइटल टैग, फिर टाइटल टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी, बॉडी टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लियर? अब देखिए, अब सबसे ऊपर जब मैंने वीडियोस बनाई थी और मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था कि डॉक टाइप क्या होता है, सबसे पहले हम डॉक टाइप, ये एक्चुअली आपके वर्जन को बताता है कि HTML का आप जो वर्जन है करंट वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका टैग के अंदर ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर आपने एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉक टाइप टाइप करना है। उसके बाद हम टैग यूज़ करते हैं HTML। क्लियर? HTML के टैग के अंदर ही हम यूज़ करते हैं हैड टैग, और हैड टैग के अंदर यूज़ करते हैं हम टाइटल टैग। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो टाइटल जो टैग होता है वो एक्चुअली आपका जो टाइटल है, जो आपका टाइटल, जैसे गूगल पेज आप ओपन करते हैं ना, ऊपर गूगल दिखाई देता है, जैसे ये पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ना साइबर हब टाइटल, तो ये आपका टाइटल टैग में आएगा। क्लियर? और बॉडी टैग का मतलब होता है, जैसे मैं इस पेज पर बीच में जो मिडल में लिखा हुआ है, ये इस पेज पर वर्क कर रही हूँ, तो ये मेरा बॉडी टैग है। क्लियर? बॉडी टैग के अंदर ही आप कोई हैडिंग, पैराग्राफ जो है वो यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि आप HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि HTML डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियोस देखना कंपलसरी है। आप वीडियोस को मोबाइल पर देखिए, अपने लैपटॉप पर देखिए। आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स नोटपैड, या डायरेक्ट सर्च में भी नोटपैड लिख सकते हैं। जैसे आप सर्च में जाते हैं ना, और सर्च में ऐसे नोटपैड, आप डायरेक्ट सर्च में भी नोटपैड लिख सकते हैं। क्लियर आ गया ना, ये नोटपैड आ गया, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी नोटपैड लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नोटपैड लिखने के बाद आप अपना देखिए HTML, हेड, टाइटल, ये सब कुछ आपको सिंटेक्स है, फाइल में जाके इसको सेव करना है। लेकिन फाइल का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फाइल का जब आप नेम सेव करते हैं तो नेम सेव करने के लिए आपको एक्सटेंशन देनी पड़ती है, और एक्सटेंशन या तो .html देंगे या फिर .htm। याद रखिए .html और .htm विदाउट एनी स्पेस। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा ए स्पेस .html तो नाम सेव नहीं होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर फाइल अकॉर्डिंग टू द HTML एक्सटेंशन, यू हैव टू सेव विदाउट एनी स्पेस। आप ऐसे लिखेंगे 1.html। क्लियर? नाउ
यू हैव टू ओपन यूर एच टी एम एल फाइल. अब आप कल आते हो, आज आपने फाइल को ओपन कर दिया, लेकिन आप कल फिर आते हो तो कैसे ओपन करेंगे? टू व्यू व्यूइंग आपने एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स को अगर देखना है तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट राइट. तो ये देखिए अगर आपको व्यू करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर मीन्स आप अगर आपके सिस्टम में गूगल क्रोम है तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके गूगल क्रोम पर क्लिक करना है वहाँ से, या फिर आप कंट्रोल प्लस ओ भी प्रेस कर सकते हैं, ये ओपन आ जाएगा डायलॉग बॉक्स. और फिर ड्राइव से, ड्राइव का मतलब आपके कंप्यूटर, लेटर फॉर द ड्राइव इन विच यूर एचटीएमएल फाइल प्रेजेंट. आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ प्रेजेंट है. मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पर आपने सेव किया है, डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है, सी ड्राइव में सेव किया है, डी में सेव किया है, तो आपको उसका पाथ पता होना चाहिए. क्लियर? सॉरी. अब आ जाते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स में मतलब हम इसमें क्या क्या सिंटेक्स लिखेंगे. हैडिंग एलिमेंट्स. हैडिंग एलिमेंट्स आर यूज टू ब्रेक अप लार्ज एरिया ऑफ टेक्स्ट, अनाउंस टॉपिक टू फॉलो एंड ऑल रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉजिकली हायरार्की. पेज हैडिंग्स आर क्रिएटेड विद द एच एन टैग एन इन विच एन इज अ नंबर बिटवीन 1 to 6. अब हैडिंग का मतलब क्या होता है. देखिए अगर यहाँ पर ये हैडिंग है ना आपका एलिमेंट्स इन एचटीएमएल, अगर ये हैडिंग ना होता, ये आपके दो हैडिंग अगर आपको यहाँ ना शो करते और जस्ट आपके रिटर्न में होता तो आपको क्या पता चलता कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो. तो हैडिंग देते हैं, तो हैडिंग लिखने के लिए आपको एच एन 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 नहीं लिखना. आपने एन का मतलब है 1 2 3 4 5 6. तो कंप्यूटर में 6 वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 6 टाइप के हैडिंग्स होते हैं और उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया है. आपको क्या बताना पड़ता है, आप ये चेक करेंगे जो हैडिंग H1 है वो बिगेस्ट आता है, सबसे बड़ा. H2 से स्मॉल, H3 से स्मॉल, H4 से, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है H6. क्लियर? इसी तरह आप इनको लेफ्ट राइट सेंटर, जैसे ये है, ये जो एलिमेंट है ये आपका लेफ्ट साइड का है. क्लियर? तो आप इसको जो आप लिख रहे हो वो लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं. आप ये देखिए, ये आपका सेंटर साइड है राइट. तो लेफ्ट साइड भी आप लिख सकते हैं, सेंटर साइड भी लिख सकते हैं, और ये जस्टिफाई, ये पेज जस्टिफाई है. इतना ही इधर पोर्शन छुटा हुआ है, इतना ही इधर पोर्शन छुटा हुआ है, तो आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं. क्लियर? अब लिखने का तरीका क्या है. H, मैं फिर बोल रही हूँ, आपने H N नहीं लिखना. देखिए इस प्रोग्राम में इसने लिखा कि फर्स्ट लेवल हैडिंग जो है मेरा उसका अलाइनमेंट लेफ्ट आए, फर्स्ट हैडिंग लेफ्ट साइड शो होना चाहिए, सेकेंड वाला जो हैडिंग टाइप किया है वो आपका सेंटर में आना चाहिए, थर्ड वाला हैडिंग जो है नॉर्मल लिखा उसने, फोर्थ वाला राइट जस्टिफाइड, ठीक है, सिक्स्थ भी नॉर्मल. और अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगी इसकी. देखिए जो फर्स्ट लेवल है वो आपका लेफ्ट है, सेकंड उसने सेंटर में बोला था, थर्ड पे उसने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लेता है. अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो लेफ्ट लेता है. देखिए और सिक्स्थ उसने फोर्थ को राइट लगाया था तो फोर्थ इधर गया, फिफ्थ पे उसने बोला है, फिफ्थ में अलाइन जस्टिफाइड तो यहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से, और सिक्स में कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट वो लेगा लेफ्ट. अब आता है बॉडी टैग. बॉडी टैग का मतलब है इनक्लोज वेट एवर यू सी ऑन द वेब पेज. वेब पेज पर आप क्या देखना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा वेब पेज है, तो बीच में जो ये कंटेंट लिखा हुआ है सब कुछ, ये हमारा बॉडी टैग में आता है. क्लियर? तो बॉडी टैग के लिखने के लिए आपको बॉडी लिखना है और बॉडी क्लोज. अब देखिए ये कंटेंट है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना कलर्स राइट, ये व्हाइट कलर है तो ब्रेड भी हो सकता था, ब्लू भी हो सकता. देखिए यहाँ पर तो बैकग्राउंड में आपका कैसे आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर. क्लियर? अब इस पर इमेजेस भी हैं, टेक्स्ट भी है, तो बॉडी में आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं. क्लियर? तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं बॉडी. बॉडी में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड जैसे आपने ले लिया फ्लावर डॉट जेपीजी. उसके बाद बीजी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड का कलर. तो इसको लिखने का तरीका क्या है, बॉडी बीजी कलर. वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ सिखाया है और ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये होते क्या हैं. क्लियर? ये आपका बॉडी टेक्स्ट है, दैट एट्रीब्यूट सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी है, मैं चाहती हूँ उसका कलर हो रेड, तो वो आपका बॉडी का टेक्स्ट है. बॉडी के ऊपर मान लीजिए बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लू और उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो है रेड कलर का. क्लियर? आप लेफ्ट से देखिए, ये मार्जिन्स है, ये पेज पे मार्जिन्स है ना छोटे हुए, कि लेफ्ट से कितना पेज का मार्जिन है, राइट से कितना पेज का मार्जिन है, टॉप से आपका पेज कितना होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए. अब यहाँ पर एक प्रोग्राम देख लेते हैं. लिखने का तरीका देखिए वही है, HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया, टाइटल में आ गया हैप्पीनेस, और ये आपके टाइटल में आ रहा है हैप्पीनेस. क्लियर? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फाइल को. क्लियर? तो अब देखिए यहाँ आ गया ना हैप्पीनेस, तो आपके इसमें जो आपका प्रोग्राम हुआ उसमें भी आ गया हैप्पीनेस. क्लियर? उस हैडिंग आ गया. उसके बाद आपने क्या दिया है, आपने इसमें लिखा है कि आपका जो बॉडी टेक्स्ट है वो ग्रीन आए, लेफ्ट मार्जिन आए 100, टॉप से 100,
हैप्पीनेस इज बाय चांस सॉरी बाय चॉइस नॉट बाय द बाय चांस. अब चलो चेक करते हैं कि आउटपुट, देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. आ गया, आपने बोला था कि जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर का आना चाहिए, वो ग्रीन कलर का आ गया. क्लियर. इसी तरह आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं. पैराग्राफ में पी अलाइनमेंट सेंटर, यानी कि जो पैराग्राफ मैं लिख रही हूँ सेंटर में आना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर. दो पैराग्राफ है, देखिए ये पैराग्राफ है, इसमें जस्ट एक लाइन लिखिए व्हाट इज वाटर साइकिल क्वेश्चन मार्क, और पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया. ये सेकंड पैराग्राफ है. अब चेक करते हैं. अब इसमें एक चीज देख लीजिए, दिस टैग डिस्प्ले पी आर ई टैग. पी आर ई क्या है, देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है पी आर ई. इट स्टैंड द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, विच मीन्स दैट द टेक्स्ट इन द ब्राउजर विल बी डिस्प्ले इन ए फिक्स्ड विड्थ एंड फॉन्ट विद ऑल द ब्लैंक लाइन्स एंड टैब्स. वो सेम जो ब्लैंक लाइन्स और टैब्स है वो सेम फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में द टेक्स्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द सेम वे एज यू हैव टाइप्ड इन द कोड. जैसे आपने टाइप किया है वो सेम आपको शो होगा, वहाँ पर चेंज नहीं होगा अगर आप प्री लगा देते हैं तो. क्लियर. बी मीन्स बोल्ड करना है तो आप उसे बोल्ड कर सकते हैं. आप देखिए ये वट इज, ये उसके बाद आपने यहाँ पर इतना लाइन उसको छोड़ा था वो आ गया, और उसके बाद उसने बोला था कि मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को बोल्ड कर दीजिए, तो ये बोल्ड आ गया. ठीक है. फॉन्ट का एलिमेंट क्या था, फॉन्ट का मतलब होता है, मैं देखिए फॉन्ट है, अब ये फॉन्ट ही तो है, इसका फॉन्ट इतना बड़ा है रेड कलर का आ गया, ये फॉन्ट ऐसा है ये थोड़ा छोटा है, राइट. तो फॉन्ट में क्या होता है, एक तो साइज होता है, देखिए ये बड़ा फॉन्ट है और ये वाले एलिमेंट इज यूज टू स्मॉल फॉन्ट है. ठीक है. तो उसको जो वो होता है साइज होता है, कलर होता है, फेस होता है, तो ये वाले एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं. क्या क्या यूज कर सकते हैं, अब फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है, साइज मीन्स आप वन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा. जैसे मैंने फाइव साइज किसी का दिया है और फिर बाद में उसको सेवन कर देती हूँ तो वो स्मॉल से लार्जेस्ट हो जाएगा. फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस का मतलब आप लिखते हो ना कि ये जो टेक्स्ट टाइप है मान लीजिए एरियल में है या फिर ये टाइम्स न्यू रोमन में टाइप किया हुआ है तो ये किस तरह का दिखता है उसको बोलते हैं फॉन्ट फेस. क्लियर. तो फॉन्ट फेस भी क्लोजिंग है. इसको कैसे लिखते हैं, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोट्स में उस फॉन्ट का नाम लिखना. जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है एंड उसको क्लोज. इसी तरह फॉन्ट का कलर ऊपर भी दिखाया गया ना चैप्टर में, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज होता है. फॉन्ट कलर में आपने फॉन्ट का कलर दे दिया, देखिए जैसे इस ये आपने प्रैक्टिकल करके देखना है. फॉन्ट का साइज 5 है, कलर रेड होना चाहिए, फेस अल्जीरियन, राइट. अब उसके बाद है आपका एच आर टैग, ये आपको इम्प्लीमेंट करके देखने हैं. एच आर क्या है, लाइन ब्रेक, सॉरी फिर आया आपका बी आर टैग. बी आर का मतलब है लाइन ब्रेक. मैं चाहती हूँ कि एक लाइन लिखी उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो पहरा है उसके बाद मैंने ब्रेक लग दिया, मींस ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए. इसी तरह सेम आपने, मैंने ये वीडियोस में बेटा आप लोगों को सारे एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप 1 से लेकर 8 तक सारी वीडियोस देखते हैं आपको कंप्लीट एचटीएमएल आ जाएगी. इन एचटीएमएल यू कैन क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल रूल यूजिंग द एचआर. तो हॉरिजॉन्टल रूल जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है जो सेपरेट कर देती है पैराग्राफ या सेक्शंस को. अगर मैं चाहती हूँ कि ऊपर का सेक्शन और नीचे का सेक्शन सेपरेट हो तो मैं एचआर टैग यूज करूँगी. और इनको लिखने का वही तरीका है, एचआर अलाइन इज इक्वल टू अलाइनमेंट लिख दीजिए. एचआर आपको राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, साइज 40 चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकल करके देखने हैं नोटपैड पर. क्लियर. तो यहाँ पर देखिए आपको प्रैक्टिकल के लिए उसने बोल दिया है एचआर का साइज आप 5 रखिए, कुछ भी टाइप कर दीजिए, कलर उसको ऑरेंज कर लीजिए, विड्थ 50 कर लीजिए, अलाइनमेंट सेंटर. तो ये आप टाइप, यार ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट है पहले ऊपर लिखना है पूरी कोडिंग, एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी, राइट. बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ वगैरह जो भी लिख रहे हैं फिर उसके बाद दो पैराग्राफ्स के बीच में आप एचआर टैग यूज करेंगे. अगला है आपका फिजिकल टैग. ए फिजिकल कैरेक्टर टैग कंट्रोल्स हाउ द कैरेक्टर आर फॉर्मेटेड. कैरेक्टर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मीन्स कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, वो सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, सुपर सबस्क्रिप्ट होना चाहिए. तो उसके लिए याद है इनको बोलते हैं फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल टैग. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, स्ट्राइक, ठीक है, टीटी, टाइपराइटर टाइप का आना चाहिए, सब बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट और सुपर अबव द टेक्स्ट. जैसे एक्स की पावर 2 आते हैं ना ऐसे जो फॉर्मूलाज लिखते हो ना उसमें, और ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको रन करना है. जैसे ये वाला है 2 सब, जैसे इसने लिखा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यू, अंडरलाइन कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पेज पर अंडरलाइन आना चाहिए, तो यूज टैग उसको यूज़ किया. फिर ये बोल्ड भी होना चाहिए, तो बोल्ड देखिए मैंने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया था, बोल्ड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड, फिर वो अंडरलाइन भी होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन क्लोज कर दिया, फिर बोल्ड क्लोज किया, फिर वो इटैलिक थोड़ा सा इटैलिक, और उसके बाद जो सी ओ है, ये सी ओ है वो इटैलिक होना चाहिए. उसके बाद सब टू, सब टू का मतलब ये ओ टू ऐसे लिखते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड,
एंड देन उसको क्लॉज और इटैलिक क्लॉज, तो देखिए आपका आउटपुट ऐसे आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है HTML टैग। अब आपको ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये अपने आप लिखना है नोटपैड पर और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, पहले पेपर पर लिखिए, पेपर पर आपको लिखना आ गया, क्लियर। रिकैप मतलब HTML क्या है, स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज है। टेक्स आर सराउंडेड बाय टू करेक्टर्स, ये ग्रेटर देन और लेस देन से यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि HTML जो है नोट केस सेंसिटिव है, डिफरेंट वर्जन होते हैं HTML, देर आर वेरियस सॉरी HTML एलिमेंट्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड। कंस्ट्रक्ट वेब पेज, आपने दो एलिमेंट्स देखे थे ना, कंटेनर एलिमेंट्स और एम्प्टी एलिमेंट्स, वो उसकी बात कर रहा है। कंटेनर होते हैं एम्प्टी होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स का मतलब जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, एम्प्टी एलिमेंट्स मीन्स जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। HTML एडिटर में एडिटिंग HTML करते हैं आप। फ़ॉन्ट आपको पता है, फ़ॉन्ट को आप साइज, अब किसी भी चीज़ का फ़ॉन्ट का साइज चेंज हो सकता है, उसका स्टाइल चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है। लाइन ब्रेक आप यूज़ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल। आपकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपकी असाइनमेंट्स में दी गई है, तो वीडियो में मैं बैक एक्सरसाइज एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें जस्ट चैप्टर हो गए। बैक एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट्स में पूरा का पूरा चैप्टर आपको दिया गया है, तो आपको बैक एक्सरसाइज वहाँ से करनी है, क्लियर। नाउ अब CSS क्या होता है, CSS भी हमने आपको कराया है, अब यहाँ पर जस्ट उसकी थ्योरी है। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल। स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, अब देखिए आप सब कुछ लिख रहे हैं, आप चाहते हो हेडिंग आपका ब्लू आए, राइट। अब कास्केडिंग स्टाइल, जब आप कोई शीट होती है उसको आप डिज़ाइन भी तो करते हैं ना, आप सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हो, ये लेफ्ट चला जाए, ये राइट चला जाए, ये सेंटर में चला जाए, तो ऐसा तो नहीं होता, आप कुछ ना कुछ तो स्टाइल अप्लाई करते हो कि आपने लिखा है इसका, जैसे ये है, ये स्टाइल ही तो है, आपने एक बॉक्स के अंदर इसको लिखा हुआ है, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, इसके बाद ये ऑरेंज में लिखा हो रहा है। अगर यही वेब में वेब पेज में डिज़ाइन करती तो ये भी तो एक स्टाइल था। तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेज प्रेजेंटेबल। तो सिंपल से पेज को आप डिज़ाइन करके उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, मतलब अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल। CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ द वेब पेज, यानी कि ये आपका लॉजिकल थिंकिंग नहीं देख रहा है, कि आपका टाइपिंग वर्क नहीं देख रहा है कि आपने क्या टाइप किया, टाइप आप जो करना चाहते हैं आपका मैटर वो नॉर्मल टाइप करते हैं, ये जस्ट आपका जो है लुक और फील पर। देखिए आप देखते हैं कभी कभी किसी की वेबसाइट ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, आपको अट्रैक्ट करती है, मतलब उसके जो CSS स्टाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यूज़ किए गए हैं, तो ये बताता है, कंट्रोल करता है आपका कलर क्या है टेक्स्ट का, आपके फॉन्ट्स क्या है, उसका स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स कैसा है, कॉलम का साइज कितना है, उसका लेआउट क्या है, बैकग्राउंड की इमेज क्या है, कलर्स कैसे यूज़ किए हुए हैं, लेआउट डिज़ाइन कैसी है। सेम वैसे ही है बेटा, जैसे एक सिंपल पेज पर अगर मैं ड्राइंग करने के लिए बोल देती हूँ आप लोगों को, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं CSS वर्ड को ही इतने डिफरेंट स्टाइल से लिखते हैं, तो जो कोई जितना डिफरेंट स्टाइल से लिखेगा, जितना अट्रैक्टिव लिखेगा, मेरे लिए वो पेज उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेम वे में कंप्यूटराइज है, क्लियर। तो वो बोल रहे कि जब HTML आप सीखते हैं तो CSS सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका पेज अट्रैक्टिव नहीं होगा कोई भी आपकी वेबसाइट पर सर्च विजिट नहीं करेगा। वेबसाइट जितनी अच्छी होती है, बेटर होती है, पर्सन उतने जल्दी विजिट करते हैं। तभी तो देखा ना, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब है, ये है, वो इतने अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनाते हैं और कितने लोग उसमें फंस जाते हैं, उनको देखकर लगता है कि नहीं वेबसाइट जेन्युइन है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह बनाई हुई है, इतनी अच्छी तरह सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो वो सारा कास्केडिंग स्टाइल का इफेक्ट होता है, राइट। पार्ट ऑफ ए स्टाइल शीट, अब स्टाइल शीट का पार्ट क्या, स्टाइल शीट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स एंड डिस्क्राइब हाउ डॉक्यूमेंट एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। तो आपके पास इसके पास दो पार्ट होते हैं, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। सिलेक्टर मतलब सिलेक्ट करो, मुझे पैराग्राफ पर यूज़ करना है या मुझे हेडिंग में यूज़ करना है, ये स्टाइल्स मुझे कहाँ यूज़ करने हैं। डिक्लेरेशन का मतलब हाउ टू डिक्लेयर, आप उसको क्या करना चाहते हो, रेड ग्रीन फॉन्ट चेंज करना चाहते हो क्या, फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको यहाँ से ज़्यादा वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट से क्लियर करते हैं, कलर जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट। लेकिन रियल में वैल्यू क्या है, ग्रीन कलर, कलर तो प्रॉपर्टी है ना, जस्ट आपने बताया कि मुझे कलर चेंज करना है, लेकिन रियल में क्या चेंज होगा, ग्रीन। समझ में आ गया, तो ये रियल वैल्यू है, क्लियर। डिक्लेरेशन आप डिक्लेयर कर रहे हो, मान लीजिए कलर है, सिलेक्टर है, मेरे पास H1 है, यानी कि हेडिंग का है, हेडिंग में मुझे कलर देना है, तो ये डिक्लेरेशन है। और डिक्लेरेशन में फिर प्रॉपर्टी आ गई कि आपने हेडिंग कैसा देना है, ग्रीन कलर का, क्लियर। तो सिलेक्टर बाहर लिखा जाता है, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी आती है, मतलब उस पर क्या करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब कलर चेंज करना चाहते तो कलर प्रॉपर्टी है, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट प्रॉपर्टी है, क्लियर। बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और उस पर रियल में क्या वर्क करते हैं, दैट इज योर
वैल्यू. तो बेसिक सा रूल हो गया कि जो सीएसएस होते हैं बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन. सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है जिस पर आपको अप्लाई करना है. आपका एच वन भी हो सकता है, आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकता है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये जो सेपरेशन करते हैं आप, दैट इज यूज बाय कॉलन, कॉलन से. और ये डिक्लेरेशन आपके कर्ली ब्रेसेस के बीच में, जैसे कर्ली ब्रेसेस लगा दी, उसके बाद यहाँ से सेपरेट और उसके बाद कॉलन. जैसे साइज के बाद कॉलन आएगा, कलर मैंने बोला कलर कैसा ब्लू, तो कलर और ब्लू के बीच में कॉलन और इसको सेपरेट, क्योंकि ये कलर अलग वैल्यू है और साइज अलग चीज़ है. तो जब आप दो चीज़ें एक ही एलिमेंट से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करते हैं. ठीक है, जो आपका डिक्लेरेशन है दैट इज सेपरेटेड बाय द सेमी कॉलन. कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसी तरह आप हेडिंग 1, 3, 4, 5 जिस पर चाहते हैं उस पर लगा सकते. देखिए यहाँ से कितना बेटर एक्सप्लेन किया हुआ. ये डिक्लेरेशन है, ये पी है, पी मीन्स पैराग्राफ. तो मेरा सिलेक्टर क्या है? पी. पी मीन्स पैराग्राफ मेरा सिलेक्टर है. कलर प्रॉपर्टी है. डिक्लेरेशन के दो पार्ट हो गए, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. प्रॉपर्टी में मुझे क्या चाहिए? कलर. कलर कैसा चाहिए? ग्रीन. उसके बाद मुझे इसको मैंने सेपरेट कर दिया, मुझे एक चीज़ और डिक्लेयर करनी है, क्या? टेक्स्ट. तो टेक्स्ट अलाइनमेंट फिर प्रॉपर्टी बन गया आपका. और ये जो वैल्यू बन गई, ये आपका जो सेंटर है वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू बन गई. मतलब ये भी डिक्लेरेशन है और ये भी डिक्लेरेशन. टू डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन. कंसेप्ट क्लियर? अब आ जाते हैं कास्केटिंग स्टाइल. मैंने वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि तीन तरह की कास्केटिंग स्टाइल होती है. आप उस इन लाइन, ठीक है, जो आप, जैसे इन लाइन का मतलब होता है ये पर्टिकुलर लाइन है, मतलब उसी फाइल के अंदर. आप बाहर से कोई फाइल नहीं बना रहे, इस फाइल के अंदर मुझे हेडिंग वन पर कलर ब्लू देना है, तो मैंने उसी हेडिंग वन के अंदर लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू और डबल कोट्स में कलर कॉलन ब्लू. तो ये इन लाइन होता है, वहीं पर. आप कहीं बाहर नहीं गए, बाहर से कोई फाइल आपने इम्पोर्ट नहीं की है. क्लियर? और इंटरनल और एम्बेडेड. इंटरनल का मतलब होता है आपने पेज के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर दिया. यू कैन पुट योर सी एस एस रूल इन टू एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट यूजिंग ए स्टाइल. यहाँ भी स्टाइल एलिमेंट आएगा. दिस टैग इज प्लेस इन साइड हेड. अगर आप हेड टैग के अंदर अपनी स्टाइल इंप्लीमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल. कंसेप्ट क्लियर? वहां पर इंटरनल में जो आप था, देखिए इंटरनल में आप लोग यूज कर रहे थे, सॉरी इन लाइन में आप यूज कर रहे थे, जहां पर आप ये, मुझे हेडिंग के अंदर यूज करना, मैं हेडिंग. लेकिन जब आप इन लाइन के बजाय इंटरनल यूज करते हैं तो आपको हेड के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है स्टाइल. आप देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए क्या है. मैंने हेडिंग के अंदर लिखा है स्टाइल और ये इसकी वीडियो बहुत अच्छी है, आप लोगों को बना कर दिया, आप उसमें से देखिए. पी, मैं चाहती हूँ जो मैं नीचे पैराग्राफ लिख रही हूँ ना, ये जो पैराग्राफ आ रहे हैं वहां पर पी, पैराग्राफ का जो कलर है दैट इज पर्पल. कर्ली ब्रैकेट, और ऐसा नहीं है कि आप इसको एक लाइन में नहीं लिख सकते, एक लाइन में लिख सकते हैं. पी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगी, कलर कॉलन पर्पल. राइट, जो पैराग्राफ है वो पर्पल का रखना चाहिए. और बॉडी कलर, बॉडी, अब बॉडी में आप यूज कर रहे हैं स्टाइल, तो बॉडी लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी बैकग्राउंड कलर लिनियन. अब इसको मान लीजिए आप रेड ब्लू व्हाइट जो भी करना, देखिए बॉडी का लाइट पिंक सा हो गया ना. और जो हेडिंग है वो मैरून आए. क्लियर? अब देखिए आउटपुट, देखिए नीचे तो कुछ नहीं है, हेडिंग आप लिख रहे हो, वहां पर उसने H1 हेडिंग का कलर मैरून, मैरून हो गया. उसके बाद जो पैराग्राफ का कलर है उसने बोला था पर्पल, पर्पल हो गया, और ये थोड़ा सा पिंक हो गया. मीन्स डिक्लेयर कहाँ किया है? हेड के अंदर. राइट, और इंप्लीमेंट कहाँ हुआ? बॉडी पर. तो इसको बोलते हैं इंटरनल. क्लियर? लास्ट जो होता है वो होता है एक्सटर्नल. एक्चुअली क्या होता है, जब आप हाई लेवल पर कोई भी स्टाइल बनाते हैं तो वो एक्सटर्नल होता है. मतलब हम एक बार ही एक सी एस एस स्टाइल की फाइल बनाकर रख लेते हैं, वीडियो में आपको सिखा दिया गया है कि कैसे बनती है, और उसको जस्ट हम उसको रेफरेंस दे देते हैं, तो वो सारे पेजेस पर इंप्लीमेंट होता है. अब ऐसा तो नहीं है आपके इसमें जो वेब पेज आप बनाते हैं एक ही वेब पेज होगा, तो डिफरेंट वेब पेज भी हो सकते हैं ना. आपके मान लीजिए एक वेबसाइट में 10 पेज है, तो 10 पेज पर स्टाइल या तो आप 10 पेज पर बार बार लिखें, या 10 पेजेस के लिए एक ही बार में स्टाइल को आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कॉल कर लीजिए. क्लियर? सी एस एस बैकग्राउंड. अब सी एस एस क्या होता है? बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, यानी कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए. आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. अब बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज देखिए, बैकग्राउंड में क्या क्या हो सकता है. बैकग्राउंड में कलर हो सकता है, ऑलरेडी आपको पता है कि बैकग्राउंड का कलर जैसे ऊपर था थोड़ा पिंक था, आप उसको वट एवर यू देना चाहते हैं, जो भी वैल्यू कलर, आर जी बी, रेड वाइट ग्रीन. बैकग्राउंड में इमेज भी लग सकती है, तो आप यू आर एल के थ्रू मतलब उसका पाथ देते हैं. वीडियो में आपको बताया गया कि इमेज वीडियो वगैरह. और बैकग्राउंड रिपीट, दिस प्रॉपर्टी इज टू कंट्रोल द रिपीटेशन ऑफ इमेज इन द बैकग्राउंड. तो ये क्या करते हैं, जो इमेज की रिपीटेशन है उसको कंट्रोल करते हैं कि बार बार सेम इमेज रिपीट ना हो. क्लियर? बैकग्राउंड की पोजिशन, दिस इज यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ आएगी आपकी, सेंटर में आएगी, बॉटम में आएगी, लेफ्ट में आएगी, राइट में आएगी, तो वो
वो पर्टिकुलर किससे सेट होता है, बैकग्राउंड की पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। दिस प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द स्क्रोलिंग ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में इमेज भी स्क्रोल हो जाती है ना, अगर आपके लार्ज साइज की इमेज है तो, ठीक है, तो वो होती है स्क्रोलिंग। अब देखिए यहाँ पर, इसने यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी बटरफ्लाई की हम इमेज ले रही है, हेडिंग आगे, क्लियर। तो हेडिंग क्या आता है आपका, बॉडी, बॉडी के स्टाइल आ गया, मैंने लिख दिया स्टाइल क्या है, बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, इमेज यूआरएल, यूआरएल का मतलब जहां से आप इमेज ले रहे हैं। इसने बोला कि मैं डी, अगर मान लीजिए मेरी इमेज यहां पर होती तो मैं इस पाथ को कॉपी कर लेती जो ये ऊपर शो हो रहा है और उसको यहां पर पेस्ट कर देती। वीडियोस में आपको बताया गया कैसे इमेज होती है। अब मेरी डी ड्राइव में इन्होंने बटरफ्लाई को जेपीजी नाम से सेव किया है। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, मुझे बैकग्राउंड बार बार रिपीट नहीं करना है। बैकग्राउंड पोजीशन टॉप सेंटर, टॉप सेंटर से ये स्टार्ट हो रखी है, उसके बाद इसको क्लोज। फिर हेडिंग दिया है, एच वन है, एच वन का बैकग्राउंड कलर एक्वा, ये एच वन हेडिंग जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा होना चाहिए। एच वन हेडिंग अब बटरफ्लाई है, देखिए बटरफ्लाई है ना, उसका बैकग्राउंड कलर अलग है, थोड़ा सा ब्लू है ना, राइट। और ये बटरफ्लाई, और पैराग्राफ, बटरफ्लाई इज द मोस्ट कलरफुल इंसेक्ट। अब देखिए इस पर कुछ भी मैंने नहीं लगाया कि बैकग्राउंड का पैराग्राफ क्या होगा या कलर क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसे आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं कि बटरफ्लाई है ये, बैकग्राउंड येलो आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए, बटरफ्लाई जो है वाइट कलर में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो ये जो होता है ये बैकग्राउंड स्टाइल्स होते हैं, क्लियर। अगला है सी एस एस टेक्सटाइल। अब सी एस एस में भी टेक्स्ट, देखिए टेक्सटाइल वही होता है, आप अपने टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट्स है वो कैसे लेना चाहते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर या जस्ट राइट। अब तो आपको याद होना चाहिए टेक्स्ट की डेकोरेशन कैसी आनी चाहिए, मतलब उसके लिए, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, ब्लिंक होना चाहिए आपका टेक्स्ट क्या नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन होना चाहिए टेक्स्ट या नहीं होना चाहिए, ओवरलाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कलर भी ले सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब अपर केस में आपका टेक्स्ट आना चाहिए कि सारा टेक्स्ट लोअर केस में, देखा होगा ना वेबसाइट पे जो नेम होता है कंपनी का वो सारा अपर केस में है कि लोअर केस में है। इसी तरह आप टेक्स्ट की शेडो दे सकते हैं, टेक्स्ट शेडो उसकी वैल्यू लिख दीजिए कि टेक्स्ट की वैल्यू कैसी है। टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ इज यूज टू इंडेंट ऑफ ए टेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या है उसकी पिक्सल्स कितनी है। लाइन हाइट, आपकी लाइन की हाइट की वैल्यू क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए ये है। अब देखिए इतना कोड लिखा तब ये आया, डिड यू नो। उस इन्होंने क्या किया, स्टाइल लिया एच वन, एच वन मतलब हेडिंग है हमारा। हेडिंग वन में देखिए क्या लिखा हुआ, हेडिंग वन है डिड यू नो, ये वर्ड है डिड यू नो। अब इसको ऐसा डेकोरेट करना है, इसका कलर भी दिया है, इसमें शेडो भी दी हुई है, इसमें अंडरलाइन भी है, क्या कर कैसे करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। पहली बात तो इसमें अंडरलाइन आ जाइए, इस जो ये कमांड लिखी है ना टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन अंडरलाइन, तो इससे ये अंडरलाइन हो गया। अगला है टेक्स्ट शेडो, थ्री पिक्सल ब्लू, ब्लू कलर की थ्री पिक्सल्स तक शेडो आना चाहिए। देखिए आप इसमें रेड वाइट सॉरी ब्लैक भी ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कमांड से क्यों गई, ये सारा का सारा कैपिटल में आ गया ना, अपर केस है, अगर यहाँ पर लोअर केस लिखते तो सारा लोअर में आ जाता। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब ये टेक्स्ट सेंटर में है, तो इस कमांड से ये क्या हो गया, सेंटर में पोजिशन हो गई। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। फिर पैराग्राफ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। अब ट्रांसफॉर्म में क्या है, देखिए हर एक उसका पहला जो अक्षर है, अपर केस नहीं लिखा मैंने, मैंने कैपिटलाइज लिखा, कैपिटलाइज का मतलब फर्स्ट अक्षर शुड बी कैपिटल, तो हर एक जो वर्ड है उसका पहला अक्षर जो है आपका कैपिटल हो गया, क्लियर। कलर ग्रीन, तो ये कलर कैसा हो गया, ग्रीन। लाइन हाइट टू, हाइट अब 4-5 करते तो ये बिग हो जाता, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया, स्टाइल क्लोज हो गया, हेडिंग क्लोज हो गया। तो ये इस तरह से, मतलब ये बोल रहा है कि कास्केडिंग स्टाइल में आप इसको सॉरी यूज़ कर सकते हैं। सेम वे में फ़ॉन्ट के आते हैं, अब फ़ॉन्ट के जैसे फ़ॉन्ट में क्या क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट में क्या आया, फ़ॉन्ट को आप, ये वाला फ़ॉन्ट है, क्लियर। इसमें आप जो स्टाइल यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली में, मोनोटाइप क्रॉसिवा, तो मोनोटाइप का इसका टेक्स्ट आ गया, जैसे ये लिखा एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग, देखिए इसका लिखने का स्टाइल चेंज हो गया ना, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली कैलिब्री, ये देखिए ये कैलिब्री है, ये नॉर्मल, देखिए इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ कैलिब्री लिया और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्मॉल, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को क्या लिखा था, लार्ज, ये फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज है क्योंकि आपने बोला है कि लार्ज आना चाहिए, यहाँ आपने फ़ॉन्ट साइज़ को क्या लिया है, स्मॉल, तो यहाँ पर ये क्या आ गई, स्मॉल। एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड ऑफ थिंक, और उसके बाद ये आपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ॉन्ट के साइज़ को स्मॉल या हाई कर सकते हैं। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टीज देखते हैं, बॉर्डर का मतलब होता है बॉर्डर की विड्थ या स्टाइल्स, इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं।
अब देखिए मेरे पास ये लाइन है मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके बाद मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और एक ये तीन तरह के हैं, तीन तीन बार मैंने ये सेम आपने तीन बॉर्डर लिए हैं। पहले बॉर्डर में आपने लिखा फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप, देखिए मोनोटाइप टेक्स आके जैसे ऊपर था, उसके आपने साइज लिया 20, तो साइज 20 आ गया। फिर आपने लिखा बॉर्डर स्टाइल ग्रूव, बॉर्डर का स्टाइल ये ग्रूव है, सीधी स्ट्रेट लाइन है। बॉर्डर कलर आपने लिखा है ब्लू, तो आ गया। बॉर्डर विड्थ आपने थिन, थिन मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है। नेक्स्ट में देखिए आपने फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप ली, सेम मोनोटाइप है, बट यहाँ पर आपने ये बॉर्डर जो स्टाइल है वो क्या ली है, डैश्ड। तो ये बॉर्डर स्टाइल जो है देखिए डैश में आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, डैश आ गया, क्लियर। उसके बाद आपने बॉर्डर का कलर कैसा चूज किया है, रेड, तो बॉर्डर का रेड आ गया, थी। और यहाँ पर आपने थिन लिया था पहले वाले में, सेकेंड वाले में आप थिक ले रहे हो, तो बॉर्डर देखिए उससे ज़्यादा थिक है ना, क्लियर। थर्ड में आपने क्या बोला, साइज सेम है बट आपने बॉर्डर का कलर ब्लू बोला है यहाँ पर, तो बॉर्डर का कलर कैसा हो गया, ब्लू। देखिए बॉर्डर ब्लू कलर का है, बॉर्डर की विड्थ जो है आपकी थिक आ गई। तो ऐसे आप बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको ब्लू व्हाइट बॉर्डर वगैरह भी हमने आपको वीडियोस में पूरे एक्सप्लेन किया है। तो रिकैप क्या आ गया, कास्केडिंग का मतलब होता है, CSS स्टाइल होता है, डिज़ाइन होता है कि आप अपने पेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसमें टू रूल्स होते हैं, डिस्क्राइब हाउ डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्ले, कैसे होते हैं रूल इन CSS, टू पार्ट सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। आपके जो बुक में है वो आपका इनलाइन और इंटरनल है, एक्सटर्नल डीप में नहीं दिया, लेकिन हमने एक्सटर्नल भी आपको वीडियोज़ में सिखाया है ताकि आप उसको नेक्स्ट ईयर्स में आपके काम आएगा। और वैसे भी अगर किसी बच्चे को वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट आया है तो वो उसको पर्टिकुलर वे में बना सकता है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट का मतलब होता है सम इफेक्ट्स टू अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट पे अपीयरेंस कैसा आना चाहिए, कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसी तरह आप टेक्स्ट का फॉन्ट साइज स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, प्लस आप उसका बॉर्डर भी। जो बैक एक्सरसाइज है वो आपको वीडियोस में नहीं, आपके असाइनमेंट्स में आपको सॉल्व फॉर्म में मिलेगी, तो बैक एक्सरसाइज आपको वहाँ पे से करनी है, क्लियर।